अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीचर बाजी प्रो। अब उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको अम्ब्रेला फ्रॉक की ड्राफ्टिंग करवाई थी। आज मैं आपको अम्ब्रेला फ्रॉक की ड्राफ्टिंग के साथ पैटर्न कटिंग करके दिखाऊंगी। तो चलिए आ जाइए, अपना काम शुरू करते हैं। ये देखें, मैंने पेपर ले रखा है, खाकी पेपर। आपने कपड़ा इसी तरह का लेना है। ये समझिए कि ये कपड़ा है। मैं आपको जैसे कटिंग बताऊंगी वैसे ही आपने कपड़े पे कटिंग करनी है। ये देखें, ये डबल पीस में कपड़ा है। तो हमने अब क्या, मैंने आपसे क्या बताया था कि मैंने आपको बताया था कि बाटी फ्रॉक की कुल लंबाई कितनी लेनी है। तो मैंने बताया था आपको कि 9 इंच बाटी फ्रॉक की लंबाई। ये देखें, मैं लंबाई ले रही हूँ, ओपन साइड से लंबाई ले रही हूँ। ये देखें, निशान लगा लिया मैंने 9 इंच पे। जब मैंने यहाँ से 9 इंच पे निशान लगाया है तो मैं यहाँ से भी 9 इंच पे ही निशान लगाऊंगी। ये देखें, मैंने 9 इंच पे निशान लगा लिया। 9 इंच पे निशान लगाने के बाद आप आगे स्केल को उठा के लेकर आएँ, फिर 9 पे निशान लगाएं, फिर उससे आगे ले आएँ, फिर 9 पे निशान लगाएं। कपड़े पे आपने कलर चौक यूज़ करना है, पेपर पे आपने मार्कर या पेंसिल यूज़ करनी है। ये देखें, मैंने डॉट्स लगा लिए। अब इन डॉट्स को मैं आपस में ज्वाइन करूँगी। आपको नज़र आ रहा होगा व्यूअर्स कि जो मैंने डॉट्स लगाए उन डॉट्स को मैंने आपस में ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद आप इसको कटिंग करेंगे। कपड़ा भी इसी तरह आपने कटिंग करना है डबल में। ये मैं फ्रंट बैग आपको इकट्ठे कटिंग करना बता रही हूँ। ये देख लिए हमने, 9-9 पे हमने कटिंग कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी हमने 1.5 इंच या 2 इंच की काज पट्टी फोल्ड करनी है। 1.5 या 2 इंच की काज पट्टी फोल्ड करेंगे हम। ये देखिए, मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया, इधर से भी मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया। आप काज पट्टी 2 इंच पे भी ले सकती हैं, कपड़े की चौड़ाई पे है वो। कपड़े की चौड़ाई जितनी ज़्यादा होगी उतनी भी काज पट्टी आप 2 इंच ले सकती हैं, अगर कम हो तो आप 1.5 इंच भी ले सकती हैं। ये पेपर है इसलिए मैं 1.5 इंच ले रही हूँ, लेकिन आपने ये समझना है कि ये कपड़ा है। आप कपड़े पे भी इसी तरह कटिंग करेंगी जिस तरह मैंने ये आप पेपर पे आपको बता रही हूँ। ये देखिए, मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया। उसके बाद मैंने इसको ये फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद इसको मैं एक दफ़ा और फोल्ड करूँगी। ये देखें, हमारे 4 पीस बन गए। ये देखें, 4 पीस, ये 1 पीस और ये 2 पीस, यानी कि 2 ये हैं और 2 ये हैं, 4 पीस। यानी कि हम अब क्या करेंगे कि फ्रंट बैक दोनों इकट्ठे ड्राफ्ट करेंगे। फ्रंट बैक दोनों इकट्ठे ड्राफ्ट करेंगे। आप भी दोनों इकट्ठे ड्राफ्ट कर सकती हैं, कपड़े के ऊपर भी और पेपर के ऊपर भी। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप पेपर पे बार बार कटिंग करें, बार बार कटिंग करें। जब आपकी कटिंग करेक्ट हो जाए उसके बाद आप कपड़े पे कटिंग करें। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि तीरा या क्रॉस पे 4.5 इंच, ये देखें 4 और ये आधा, मैंने ये निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद कंधा कितना मैंने आपसे बताया था, 5 इंच। ये देखें, 5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। ये 5 इंच और ये मैंने लाइन लगा दी। उसके बाद मैंने बोला था कि 6 इंच की चेस्ट, ये 6 इंच और कंधे की लाइन को हमने मिलाना है चेस्ट से, ये मिला दिया। उसके बाद हमारी कमर कितनी थी, 5.5 इंच। ये देखें, 5.5, 5 और ये आधा और ये मैंने निशान लगा लिया। इस निशान को आप इस निशान से ज्वाइन करेंगी। ये देखें, मैंने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद आप देखें कि ये हमारा वैसे ही सेम टू सेम वैसी ही चीज़ बन गई है। अब मैंने क्या करना है कि 1/2 इंच पे कंधे की गोलाई करनी है। ये मैंने निशान लगा लिया कंधे की गोलाई पे। आपने इसको अपनी जगह से छेड़ना नहीं है, जहाँ ये रखा हुआ है वहाँ ही रखें। सिर्फ आप अपनी पेंसिल को, अपने हाथ को घुमाएं ताकि चीज़ जगह से हिले ना। ये पेपर है, हम उठा भी सकते हैं, लेकिन कपड़ा बाजू का सिल्क में होता है। कॉटन को भी हम उठा सकते हैं, लेकिन सिल्क एक ऐसा कपड़ा है, सिल्क, रेशमी, शिफून, जारजट, उसको हम उठा नहीं सकते क्योंकि वो अपनी जगह पर छोड़ जाता है, फिर कटिंग में ख़राबी आ जाती है। अब देख लीजिए, मैंने गोल कर दिया कंधा। उसके बाद मैंने क्या करना है, 1.5 इंच गले की चौड़ाई ये ले ली। ये आप देखें कि हम, ये आपने लाजमी देखना है कि फ्रंट बैक कौन सा है। ये देखें, काज पट्टी वाला नीचे है, ऊपर हमारा फ्रंट है। तो हमने क्या करना है कि 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे हम, 1, 2 और ये आधा। ये निशान लगाने के बाद आपने कोने के साथ में इसका हाथ रखना है और इसी तरह इसको गोलाई करके लेके जानी है। ये देखें, और ऊपर वाले पॉइंट से आपने इसको मिला देना है। ये देखिए, बस हमारा मिल गया। उसके बाद हमने क्या करना है, 1/2 इंच शोल्डर कटिंग। ये देखें, 1/2 इंच। इस निशान को आप कंधे की लाइन को आप गले वाली लाइन से मिला दें। ये देखिए, मैंने मिला दिया। मिलाने के बाद आपको मैंने बोला था कि आपने इसके अंदर डॉट डालनी है। डॉट भी डलती है, आपकी मर्ज़ी है आप डालें या ना डालें।
मैं आपको डॉट भी बताऊंगी कि कितने इंच पे डॉट डालते हैं। तकरीबन इसका आप हाफ ले लें, ये देखें 5.5 आ रहा है, तो हमने 2.25 या 3 पे ले लें, 3 इंच ले लें। 3 इंच पे मैंने इसकी ले ली चौड़ाई, किधर से, कमर वाली साइड से 3 इंच ले ली। उसके बाद मैंने डार्ट डालनी है तो मैं 3 इंच की ही डार्ट डालूंगी, ये देखें 3 इंच की डार्ट। 3 इंच की डार्ट डालने के बाद आपने इसको आधे आधे इंच की डार्ट डालनी है, आधे आधे इंच की, ये देखें दोनों तरफ से आप आधे आधे इंच की डार्ट डालेंगी। इस तरह आपने डार्ट डालनी है, आपको समझ आ गई होगी। अब हमने वही वाला हिसाब करना है कि फ्रंट को हम थोड़ा सा मोड़ के रखेंगे, उसके बाद पिछले गले की लेंगे हम चौड़ाई, ये देखिए पिछले गले की चौड़ाई हमने ले ली 1.5 इंच। गहराई मैंने आपको बताई थी कि हमने 1 इंच लेनी है, तो ये देखें 1 इंच मैंने ले ली। अब इसी तरह इस इनको पॉइंट लगा के आप ज्वाइंट कर लें, ये देखें मैंने पॉइंट लगा दी, ज्वाइंट कर दी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डॉट वगैरह, ये प्लेट वगैरह का भी समझ में आ गया होगा। ये आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप डालती हैं या नहीं डालती, डालेंगी तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी फ्रॉक, तो कपड़े पे डिपेंड करता है। आप अपनी पसंद पे भी जा सकती हैं कि आप डार्ट पसंद करती हैं या नहीं पसंद करती, लेकिन फ्राकों में ज़्यादा अम्ब्रेला फ्राक की बॉडी में डार्ट डली हो तो वो ज़्यादा फ्राक खूबसूरत बनती है। ये देखें मैं काट रही हूँ लाइन के ऊपर, इसी तरह ये गोलाई मैंने आपको बताई थी, नीचे ऐसा कटा ही नहीं है। ये देखें काट दी मैंने। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये भी हमने कमर वाली लाइन काट देनी है, ये देखिए हमारी ये बन गई हमारी, हमने कटिंग कर लिया। अब हम देखेंगे कि हम बैक को निकाल देंगे नीचे से, बैक हमने निकाल दी। उसके बाद हमने क्या करना है कि मैंने नमक पारा गिराना है, चेस्ट नमक पारा, चेस्ट फिटिंग के लिए 5 इंच आ गया। ये देखें मैंने आपको दिखाया था कि 5 इंच आता है, ये देखें यहाँ से यहाँ तक। अगर कंधा थोड़ा सा बड़ा काटेंगी तो 6 भी आएगा, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि बच्ची किस तरह की है, मोटी है कि पतली है, उसके हिसाब से आपने कंधा गिराना है। अब ये 2.5 इंच है, 5 का आधा क्या होता है 2.5 इंच, ये 2.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। उसके बाद हमने नमक पारा कितना गिराना है, 1/4 इंच पे नमक पारा गिराना है, 3/4, 3/4, ये देखिए 3/4, यानी कि 1 इंच में 1 इंच में हम 2 लाइने हटा देंगे तो वो 1/4 इंच हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से गोलाई करनी शुरू करनी है इसकी, डॉट्स लगाते चले जाएं, और जो आपने डॉट्स पहले लगाया है 1/4 इंच पे, उसको टच करता हुआ आपका जो पॉइंट है वो चेस्ट से जा मिले, ये देखें। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, ये जितना आप ज़्यादा कटिंग करेंगी उतनी ही आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। 1/4 इंच पे नमक पारा गिराते हैं, 3/4, 3/4, ये देखिए नमक पारा मैंने गिरा दिया, ये देखिए हमारा फ्रंट है। अब मुझे उम्मीद है कि ये मैंने बहुत ही खूबसूरत कटिंग किया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके गले गिराने हैं, ये देखें गले, गले गिराने के लिए आपको फिर मैंने तरीक़ेकार बताया था, या आपका जैसा हाथ डलता है वैसा आप काटें आराम से, लेकिन कपड़े को आपने हिलाना नहीं है, कपड़ा हिल गया तो कटिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। ये देखें मैंने कटिंग कर दिया, ये तो पेपर है, हम हाथ में भी उठा लेंगे वैसे भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें मैंने फ्रंट बैक आपका गिराया है, ये देखें, ये देखें फ्रंट बैक, जिसको हम एक साइड पे कर देते हैं। आपने डार्ट डालने के लिए 3 इंच का ही फासला लेना है। अब हमारी बॉडी कट गई, अब मैं आपको बताऊंगी अम्ब्रेला फ्रॉक का घेर, उसके बाद हम बाजू कटिंग करेंगे। मैंने जो आपको ब्लैक बोर्ड पे ड्राफ्टिंग करवाई थी अम्ब्रेला फ्रॉक की, उसमें बॉडी में मैंने प्लेट डालना नहीं बताई थी, इसीलिए मैंने आपको इसमें बताई है। वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप डालना चाहती हैं या नहीं डालना चाहती। डालना इसलिए बता दिया है कि प्लेट डाल के खूबसूरत लगती है फ्रॉक। अब मैंने आपको बताया था कि अम्ब्रेला फ्रॉक का घेर 17/17, ये देखें 12 और 5 सितारा, ये पूरा का पूरा हमारा 17 आ रहा है, हमारा यानी कि स्क्वायर पूरा 17/17, ये देखें ये भी 17, यानी कि ये पूरा का पूरा स्क्वायर हमारे पास 17/17 का, इधर से भी 17 है, इधर से भी 17, इधर से भी 17, इधर से भी 17, यानी कि 17/17 पे हमने इसका स्क्वायर बना लिया चकोन डब्बा।
अब मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना है कि इसको हम थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके रखेंगे। उसके बाद हमने बॉडी का निशान लगाना है, ये कमर का निशान लगाना है, कमर का निशान ये 5 इंच, ये बॉडी रखी है इस बॉडी के हिसाब से 5 इंच और इधर से भी 5 इंच। ये जब 5 5 इंच पे मैं कमर ले लूँगी, निशान लगा लूँगी, उनको मैंने आपस में मिला देना है। ये देखिए मैंने निशान आपस में मिला दिए। निशान लगाने के बाद हमने इसको देखना है कि ये कुल कितना आ रहा है, 7 इंच। 7 इंच का आधा क्या होता है, 3.5। 3.5, 3 और 3 6, आधे आधे को मिलाएंगे तो 1 इंच पूरा हो जाता है, 3.5। उसके बाद हमने क्या करना है कि 1 इंच पे मैंने आपसे कहा था कि हमने गोलाई करनी है। ये देखें मैंने 1 इंच पे निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद आपने क्या करना है कि इसको इससे मिला दें, वरना हाथ से गोलाई कर दें डॉट्स लगा के। ये देखें, ये देखें मैंने निशान लगा दिया। और हल्की हल्की सी आप बेशक उसके बाद जो है कलर चौक से आप कपड़े पे जैसे उसका ड्राफ्टिंग करती हैं तो बेशक हल्की हल्की सी इसको आप इस तरह करके डॉट्स लगा के गोलाई इसकी कंप्लीट कर दें। ये देखें मैंने गोलाई कंप्लीट कर दी। गोलाई कंप्लीट करने के बाद मैंने आपसे कहा था कि आपके पास पेपर हो या कपड़ा हो, कपड़े के ऊपर आपने इंची टेप से गोलाई करनी है, पेपर पे भी आपने इंची टेप से गोलाई करनी है, अपने जर्नल पे भी आपने सेंटीमीटरों में ड्राफ्ट करना है और सेंटीमीटरों से ही इसका स्क्वायर बना के आपने इसका घेर बनाना है। अब मैंने आपसे कहा था कि आपने यहाँ से लेके इसको यहाँ तक नापना है कि ये कितना आ रहा है। ये जो गोलाई पर रख के नापेंगे तो ये देखें हमारे पास कितना आ रहा है, 14। कितना आ रहा है, 14। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आपने पेंसिल पकड़ें इसके साथ, कपड़े पे करना है तो कलर चौक पकड़ें आप इंची टेप के साथ, पेपर पे करना है तो पेंसिल या मार्कर पकड़ें अपने पेपर इंची टेप के साथ, उसके साथ आपने 14 इंच यहाँ पर रखना है जहाँ आपने गोलाई कर रखी है, और उसके बाद आपने ये इस तरह हाथ घुमा के लाना है, डॉट्स लगाते चले जाएं, आपके इंची टेप में मोड़ना है बिल्कुल, ये सीधा रहे इंची टेप स्ट्रेट, और ये देखते चले जाएं ऊपर का हाथ आपका घूमे, आपका हाथ घूमेगा तो ये खुद ब खुद आपका जो गोलाई है ये सही होके आएगी। ये देख लेंगे, बस मैंने गोलाई की है, ये देखें आपके सामने गोलाई की है मैंने, मैंने इंची टेप, अब मैंने ये आपके सामने गोलाई कर दी है। अब मैं इसको कटिंग करूँगी, अब देखें मैं इसको किस तरह कटिंग करूँगी। सबसे पहले हम इसकी कमर गिराएंगे, जो मैंने डॉट्स लगाए हैं आपके सामने वो मैं गिराऊँगी। ये देखें इसी तरह गोलाई में आपने घेर की ये काटनी है। ये देखें मैंने गोलाई में कटिंग कर दी। अब हम नीचे वाली गोलाई कटिंग करेंगे, डॉट्स के ऊपर आपने कटिंग, डॉट्स में से काटेंगे आपको नजर आए, उसके साथ साथ मैं आपको काट के बता रही हूँ बिल्कुल। ये देखिए कपड़े के ऊपर भी आपने सेम टू सेम इसी तरह आपने कलर चौक से, कलर चौक ना हो तो आप जो भी चीज़ यूज़ करना चाहें, पेन पेंसिल जो भी यूज़ करना चाहें आराम से यूज़ कर लें, लेकिन ज़्यादातर आप कलर चौक ही यूज़ करें। ये देखिए मेरे पास हमने घेर भी इसका कटिंग कर लिया, देखिए कितना खूबसूरत घेर कट गया है। अब इसको मैं बॉडी के साथ रखूँ तो ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए ये हमारा अम्ब्रेला फ्रॉक घेर के साथ, बॉडी कटिंग कर दी मैंने, घेर कटिंग कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगी बाजू कटिंग करने बताऊंगी। अब आपको पता चल गया होगा कि अम्ब्रेला कपड़े पे आपने इसी तरह कटिंग करना है जिस तरह मैंने आपको अभी बताया है। मैं पेपर पे आपको इसलिए कटिंग बताती हूँ कि आप पेपर पे कटिंग करेंगी तो आपका हाथ बिल्कुल साफ हो जाएगा कटिंग में, और जैसे कहा आपका हाथ साफ हो जाएगा कटिंग में तो बिल्कुल बेधड़क होकर आप अपने कपड़े पे कटिंग कर सकती हैं, उसमें फिर आपकी कोई भी ख़राबी नहीं आएगी। अब मैं आपको बाजू कटिंग करना बताऊँगी। देखिए मैंने बाजू का बताया था आपको कि 5 इंच लंबाई लेते हैं, 4.5 इंच लंबाई लेते हैं बाजू की, ये देखें 4 और ये आधा, ये ले लिया। उसके बाद इधर से भी लूँगी मैं 4.5, ये देखें 4.5, 4.5, 4.5 लेते जाएं आप, पॉइंट लेते चले जाएं आप 4.5 पे। ये देखें 4.5 पे मैंने सारे पॉइंट लगा लिए। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसको मैं कटिंग कर लूँगी। ये मैंने कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद मैंने आपको बताया था कि 6 इंच इसकी चौड़ाई लेनी है, ये देखें 6 इंच, ये 6 और ये मैंने निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद आपने इसको यहाँ से पकड़ के फोल्ड कर देना है, ये कपड़े पे भी इसी तरह आपने करना है। बाकी हम इसका एक्स्ट्रा कटिंग करके हटा देते हैं, ये देखें मैंने एक्स्ट्रा कटिंग करके हटा दिया। उसके बाद ये देख लें ये डबल 4 पीस हैं,
चार पीस हैं ये देखें, ये यानी कि डबल बाजू निकलेंगे इसमें से। अब मैंने क्या बताया था कि बाजू बेबी कटिंग जो होते हैं वो 2.5 इंच पे कटते हैं, ये देखें 2.5 इंच, ये मैंने 2.5 पे निशान लगा लिया, ये देखें। अब आपको मैंने बताया था कि इसकी गोलाई आपने ऐसे करनी है जैसे अलिफ के ऊपर मद होती है, ये देखें कोने के ऊपर हाथ रख के आप इस तरह घुमाती चली जाएं और ये देखें कि ये खुद बहुत अलिफ मद आ, फिर आगे से ऊपर की तरफ कर लें अपने हाथ को, ये देखें अलिफ मद आ बन गई। उसके बाद मैंने आपसे बताया था कि 1 इंच पर हमने गेजिंग करनी है, शिटल इलास्टिक, गेजिंग इलास्टिक, ये देखें 1 इंच पर हमने गेजिंग इलास्टिक करनी है। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी, ये देखें सेम टू सेम आपने जो पॉइंट लगाए होते हैं पॉइंट आप करेक्टली लगा लें, बस आपके पॉइंट अगर सही लगे होंगे तो कटिंग भी आपकी सही जाएगी। मैं बार बार आपको हर वीडियो में ये कहती हूँ कि आप कटिंग पे जोर दें, अगर आपकी कटिंग सही होगी तो आपकी सिलाई सही होगी, अगर आपकी कटिंग सही नहीं होगी सिलाई सही नहीं होगी। ये देख लें मैंने बाजू काट दिए, हमारा 1 इंच पे गेजिंग इलास्टिक, बेबी इलास्टिक, शटल इलास्टिक जो आप कह लें वो हम करेंगे इसके अंदर, फिर हमारे ये बाजू जब ये फ्रिल बन के आएंगे तो ये खूबसूरत लगेंगे। ये देखें मैंने आपके सामने पूरी जो है ये फ्रॉक कटिंग कर दी, ये देखें। उम्मीद है आपको ये मेरी कटिंग जो है जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर समझाई थी वो मैंने आपको आज पैटर्न बना के दिखा दिया खाकी पेपर पे, इसको समझ लें कि ये कपड़ा है, आप अपने कपड़े पे कटिंग करें, अपने पेपर पे कटिंग करें, बार बार पेपर पे कटिंग करें, जब आपका हाथ साफ हो जाए तो आप कपड़े पे कटिंग करें, तो खूब अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।